Vivo T3X देखते देखते क्या आप लोग भूल तो नहीं गए वो दो खतरनाक स्मार्टफोन को जो अभी अभी इंडिया मार्केट में लॉन्च हुए हैं। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मोटो G64 और Realme P1 स्मार्टफोन। ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको 15,000 रुपए के आसपास में मिल जाएंगे और बहुत सारी पब्लिक कंफ्यूज्ड भी हो चुकी है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। सबसे पहले प्राइस की बात करते हैं। तो प्राइस के मामले में मोटो से जीत पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मोटोरोला 15,000 रुपए में ही 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज दे देता है। Realme का जो बेस वेरिएंट है उसके लिए हमें 1,000 रुपए एक्स्ट्रा यानी कि 16,000 रुपए देने पड़ते हैं और वहां पे हमें 2GB रैम कम मिलता है, 6GB रैम 120GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और अगर हम लोग सेम रैम रोम का अगर कंपैरिजन करें तो 8128 के लिए यहाँ पे 15,000 देने पड़ते हैं, यहाँ पे 8128 के लिए 2,500 रुपए ज्यादा यानी कि 17,500 रुपए देने पड़ते हैं। तो प्राइस के मामले में मोटोरोला काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, तो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हालांकि दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको DDR4X का रैम मिल जाएगा, लेकिन UFS स्टोरेज की बात करें तो मोटोरोला के अंदर UFS 2.2 देखने को मिलता है और Realme के अंदर आपको UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपको 12GB का रैम वाला वेरिएंट चाहिए तो वो आपको मोटोरोला के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन Realme के अंदर आपको मैक्सिमम 8GB का स्टोरेज वाला वेरिएंट ही देखने को मिलेगा। अब डिजाइन की बात कर लेते हैं, तो दोनों स्मार्टफोन अपनी अपनी डिजाइन लैंग्वेज के साथ में आते हैं, लेकिन डिजाइन एक ऐसा टॉपिक है जिसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी पब्लिक का अपना अपना डिजाइन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आपको जो पसंद है वो आप लोग चूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि बैक मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे PMMA मटेरियल यूज किया गया है जो कि थोड़ा सा लाइट वेट बना देता है स्मार्टफोन को। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक यूज किया गया है। एक और चीज, Realme P1 एक बॉक्सी डिजाइन के साथ में आता है, तो जब आप इसे इस तरीके से पकड़ते हो ना तो आपको यहाँ पे जो शार्प एजेस है ना वो थोड़ा सा हाथ पे चुभता है, लेकिन मोटोरोला के अंदर ये यहाँ पे जो एरिया है ना इसे थोड़ा सा कर्व्ड कर दिया है, जिसकी वजह से ये हाथ में चुभता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग केस यूज कर रहे हो तो ये दोनों चीजें गायब हो जाती। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों एक 5G स्मार्टफोन है और 5G बैंड्स की बात करें तो मोटोरोला अगेन विनर बन जाता है। यहाँ पे आपको 15 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, Realme के अंदर आपको 9 5G बैंड्स ही देखने को मिलते हैं। अब डिस्प्ले की बात कर लें तो दोनों स्मार्टफोन अलग अलग टाइप के डिस्प्ले के साथ में आते हैं। वैसे दोनों के अंदर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, लेकिन मोटोरोला के अंदर आपको IPS डिस्प्ले दे रखा है, Realme के अंदर आपको एक AMOLED डिस्प्ले दे रखा है। तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले के मामले में Realme आगे निकल जाता है। लेकिन अगर हम लोग ग्लास प्रोटेक्शन की बात करें तो मोटोरोला के अंदर आपको Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, Realme के अंदर आपको AG ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब कैमरा की बात करें तो मोटोरोला कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, कैसे वो भी बताते हैं। दोनों के अंदर आपको ड्यूल कैमरा का सेटअप मिल जाता है, लेकिन मोटोरोला ने कुछ अलग ही काम किया है। यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है। उसी से आप लोग पोर्ट्रेट फोटो भी खींच सकते हो, उसी के साथ में आप लोग मैक्रो फोटोज भी खींच सकते हो। इसके अगेंस्ट में Realme की बात करें तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, साथ में 2 मेगापिक्सल का एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा मिलता है। इन शॉर्ट, यहाँ पे आप लोग अल्ट्रा वाइड और मैक्रो शॉट्स नहीं क्लिक कर सकते। एक और एडवांटेज मोटोरोला के अंदर मिल जाता है कि यहाँ पे आपको OIS मिल जाता है कैमरे के अंदर, Realme प्रोवाइड नहीं करता कोई भी OIS। इन शॉर्ट, वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त या फिर नाइट फोटोज लेते वक्त OIS जो हमें काफी ज्यादा हेल्प करता है फोटो को एक स्टेबिलाइज मैनर में क्लिक करने के लिए, वो चीज आपको कहीं ना कहीं मोटोरोला के अंदर थोड़ा सा आगे ले जाती है। इसके अलावा सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की। मोटोरोला के अंदर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर इसी स्मार्टफोन के अंदर लॉन्च किया गया है। Realme के अंदर आपको 7050 का प्रोसेसर मिलता है। तो अभी फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे दोनों स्मार्टफोन के अंदर Antutu स्कोर का आपको फर्क देखने को मिलेगा। Realme 6,10,000 के आसपास में देता है, Motorola 5,10,000 के आसपास में देता है। तो हल्की सी स्पीड आपको Realme के स्मार्टफोन के अंदर डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। बैटरी और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो Motorola के अंदर आपको 6,000 mAh की बड़ी बैटरी दे दी है, Realme के अंदर आपको 5,000 mAh की ही बैटरी देखने को मिलती है। हालांकि फास्ट चार्जिंग यहाँ पे आपको थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है 45W की, यहाँ पे आपको 33W की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अब स्पीकर्स की बात करें तो एक काम बहुत ही बढ़िया किया कि दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल स्पीकर्स मिल जाते हैं। लेकिन 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 मोटोरोला के अंदर
डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिड एडवांटेज बन जाता है। अब जहाँ पे मोटोरोला आगे निकला है तो कहीं ना कहीं रियलमी भी थोड़ा सा आगे निकल जाता है। यहाँ पे क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले यूज किया गया है, इस वजह से यहाँ पे आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जबकि मोटोरोला के अंदर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। अब सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं, तो दो ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ में आते हैं। यहाँ पे आपको एक OS अपडेट मिलेगा, 3 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। रियलमी के अंदर आपको 2 ईयर का OS अपडेट मिलेगा और 3 ईयर का सिक्योरिटी पैच अपडेट्स मिलेंगे। और रही बात हम लोग अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, तो मोटोरोला का ऑब्वियसली जो सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा सा क्लीन स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आता है। अभी पूरा का पूरा स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, लेकिन क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ज़्यादा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि रियलमी के अंदर आपको डेफिनेटली थोड़े ज़्यादा एप्स देखने को मिल जाते हैं, या फिर आप लोग कह लो थोड़े से ज़्यादा ब्लोटवेयर देखने को मिल जाते हैं। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन मोटो G64 और रियलमी P1 के बीच में। अब कर लेते हैं मुद्दे की बात, कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। अगर आप लोग उन पब्लिक में से हो जो ज़्यादा पैसा ना दे के बहुत सारी चीज़ें लेना चाहती है, इन शॉर्ट एक मोस्ट बैलेंस 5G स्मार्टफोन लेना चाहती है, तो मोटो का मोटो G64 आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। के पीछे कुछ सॉलिड रीजन है। एक तो आपसे 15,000 रुपए के अगेंस्ट में 8GB रैम दे दिया जाता है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज दे दी जाती है, साथ में आपको एक मोर बैलेंस्ड कैमरा सेटअप दिया जाता है, 6000mAh की थोड़ी सी बड़ी बैटरी भी मिल जाती है, और साथ में ड्यूल डॉल्बी स्पीकर्स मिल जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ज्यादा 5G बैंड्स मिल जाते हैं, जो कि इसे एक ट्रू 5G स्मार्टफोन बना देता है कहीं ना कहीं। सो आपको कौन सा स्मार्टफोन पसंद आया हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। इसके अलावा क्या आपको मालूम है कि 20,000 रुपए के नीचे आप लोग वायरलेस चार्जिंग वाला स्मार्टफोन भी परचेज कर सकते हो, जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।